नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबल है, करूर आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहां पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न आपका यहां पर करियर है, जॉब या बिजनेस। तो सूर्य के ऊपर अगर हम बात करें तो सन माउंट के ऊपर में आपकी जिगजॉग जो साइन है या एक प्रकार से क्रॉसेस के जो साइंस है वो ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं, और जब भी इस तरीके से मल्टीपल्स लाइन का फॉर्मेशन एक दूसरे को काट रहा हो तो जॉब में कभी भी सफलता मिलती ही नहीं है, जॉब में मन लगता ही नहीं। आप जैसे जा तक फिर किसी के अंडर में काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनको यानी आपके जो बॉस रहेंगे या बड़े अधिकारी रहेंगे उनको सारी की सारी चीज़ें अपने ओर से 100% नहीं 200% दे पाएंगे, अपना एफर्ट, अपना लगन, अपना मेहनत, अपना समय, लेकिन वहाँ से ना क्रेडिट आएगा, ना रिवॉर्ड आएगा, ना अवार्ड आएगा। तो इस कंडीशन में जब भी सूर्य डिस्टर्ब होते तो जॉब तो हो ही नहीं पाता, या किसी के अंडर में भी काम नहीं कर पाते और गवर्नमेंट से बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो सन को ठीक करना या नहीं करना अभी इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले पूरी पाम देखेंगे, फिर जड़ को पकड़ेंगे कि जड़ कहाँ डिस्टर्ब हो रही है। और जड़ जैसी पकड़ में आ जाता है ऑटोमेटिकली जो पेड़ है वो ठीक हो जाएगा और फल भी देने लगेगा। तो सन जब डिस्टर्ब हो बिल्कुल भी जॉब की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मरकरी आपका बहुत अच्छा है तो पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, खुद का टीचिंग इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं या खुद से जो भी आपसे हो सके आप कर सकते हैं। आप अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या अगर पार्टनरशिप में भी काम करें तो 60-40 का जो सिस्टम है वो अप्लाई करिए कि 60% आपके पास हो, क्योंकि जब मरकरी अच्छा होता है पाम में तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देता है। टीचिंग क्वालिटीज़ के लिए जो वाक शक्ति होनी चाहिए या जो लेखन कार्य होना चाहिए या फिर जो ग्रेट इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए वो हमको मरकरी ही देते हैं। अकाउंटेंसी में, फाइनेंस में, रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं माहिर बनाते हैं। तो इसीलिए आपको शेयर मार्केट से भी, ट्रेडिंग से भी, किसी भी तरह के फाइनेंस सेक्टर से भी एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट मिल सकता है, बशर्ते इंडिपेंडेंट वर्क करना यहाँ पर आपको ज़रूरी है। आप यहाँ पार्टनरशिप में भी काम कर रही है, पार्टनरशिप लंबा नहीं चलने वाला है, ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है आपकी वो थोड़ा यहाँ डिस्टेंस में आ रही है और इसका पीरियड हम जज करें तो 35 के आसपास का पीरियड है, और उसी के पहले आपको किसी नए पार्टनर का सपोर्ट या ऑफर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 34 के आसपास में। फिर आपके पास जो है दूसरे तरह का काम होगा या दूसरे तरह की जीवन में प्रगति होगी। तो इसीलिए बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने ही ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल शो हो रहा है। मैरिज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी सपोर्टिव लाइन से वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो रही है 34 और 5 के मिड में, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के अतिरिक्त में आपकी मैरिज होने की पूरी संभावनाएँ हैं, और मैरिज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगा, मैरिज के बाद ग्रोथ बहुत होगा। यही रीज़न है कि तमाम तरह के सेल्फ मेड लक लाइंस निकलना उसी के बाद में शुरू हो रही है, और बाहर की तरफ भी रेखाएं निकल रही है जो फॉरेन कनेक्शन देती है या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स देती है। तो इसीलिए मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी रहेगी। वैसे भी जुपिटर पर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो मैरिज में डिले तो होता है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। मैरिज के जस्ट बाद में जिस दिन मैरिज हुआ उसी दिन से ग्रोथ होना व्यक्ति का शुरू होता है, प्रॉस्पेरिटीज़, प्रॉपर्टीज़, नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो प्रश्न है कि सेटल कब तक होंगे लाइफ में, तो ये करेक्ट 34 के बाद में आप सेटल हो जाएंगे। रीज़न अगर हम लाइफ लाइन के अलावा आपके लक लाइन के ऊपर में देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है बहुत एक्टिव हो रही है 34 के बाद में, और इवन एक छोटा सा ट्रायंगल भी बिल्ड हो रहा है जिसके बाद में ये कन्फर्म करता है कि आपके जीवन में पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग भी होगा। उसके पहले तक आप देखें तो कोई भी ट्रायंगल है ही नहीं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 34 के बाद में पैसे का उपयोग भी अच्छा होगा और पैसा अच्छा आएगा भी, प्रगति भी बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पर क्या है कि आपकी जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में नहीं है, और वो मेन क्या है कि हार्ट लाइन पर रुक गई है। तो इस कारण क्या होता है कि अनेकों काम बनते बनते रुकता है, मुँह के पास निवाला आते आते रहता है, बहुत फोर्सफुली कोई भी काम करना पड़ता है, 100 नहीं 1000% एफर्ट डालने पड़ते तब कुछ रिजल्ट मिलता है इसमें। तो ये जो लक है साफ साफ दर्शा रहा है कि अगर भाग्य के भरोसे बैठे रह गए आप, या एक तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करने गए तो वो तो होना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको जो काम है वो सडन होने वाला है, फ्रीली अपने आपको फ्री विल में जितना हो सके उतना रखिए। फ्री विल का मतलब ये है कि स्ट्रेस, वरीज, टेंशंस, प्लानिंग्स, इन सारे काम में आपको पड़ना ही नहीं है, ये सारी चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। इस तरह की जब भी भाग्य रेखा होती है तो ऐसे जातक को कभी भी बाहरी दुनिया पर फोकस नहीं देना चाहिए,
कि ये मिल जाए वो मिल जाए या फिर ये सारी चीज़ें हो जाए, बल्कि आंतरिक दुनिया पे ध्यान देना चाहिए कि आप अंदर से किस तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, शांत रख सकते हैं। तो आप जब अपने अंदर पे ध्यान देने लगेंगे तो आपका आउटर जो वर्ल्ड है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इनर वर्ल्ड को अच्छा रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इतनी सारी लाइन्स हैं ये मरकरी की ही लाइन्स हैं और ये लक लाइन के कंपेरिजन में तो बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए आपका जो लर्निंग है, आपका जो टीचिंग है, आपकी जो स्किल्स हैं किसी काम में स्पेशलाइजेशन से, उसी से आपको लाभ मिलना है। अदरवाइज बाकी और अनदर प्रोस्पेक्ट या एम्बिशंस रखने के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो प्रश्न था स्टेबिलिटी का, तो 36 के एज तक आते आते कन्फर्मली आपकी लाइफ में पूर्णतः स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैरिज, करियर, चाइल्ड, सब के रिगार्डिंग। तो इसीलिए आँख बंद कर आप टीचिंग लाइन में ही वर्क करिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और फर्स्ट फिंगर जुपिटर का ही कारक होता है और इस कंडीशन में नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं, हर बात के जड़ तक जा पाते हैं, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, ग्रेट डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी ये बिल्ड करता है। तो जुपिटर जब भी अच्छा हो तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर या मैनेजर, डायरेक्टर, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलने के आसार रहते हैं। और उसमें भी टीचिंग लाइन में जब सक्सेस मिलता है व्यक्ति को तो क्यों मिलता है, क्योंकि मरकरी बहुत अच्छा रहता है। आपको सक्सेस इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप बर्थ प्लेस से दूर नहीं हैं। आपको जो लक लाइन है वो प्योर मून से कनेक्टेड है और मून की जब भी लक लाइन होती है तो जन्म स्थान में कोई लाभ मिलता नहीं है। यानी ये समझ लीजिए कि जो आपको लाभ जन्म स्थान में मिल रहा है उससे कम से कम 100 गुना लाभ आपको बाहरी दुनिया में जाकर के मिलेगा, बाहरी दुनिया यानी जन्म स्थान से दूर। और जितना जन्म स्थान से दूर जाते उतना लाभ, जैसे अनदर सिटी जाएंगे तो लिमिटेड लाभ, अनदर स्टेट जाएंगे तो और ज़्यादा लाभ, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर। तो मून लक लाइन जब भी हो तो अपनों से कभी नहीं बनेगी आपकी, आपके फैमिली में या फैमिली मेंबर्स में या उनसे जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन बाहरी दुनिया लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ या कनेक्शन से अच्छे दे देगा आपको। तो इसीलिए ये जो लक है ये बहुत एक्टिव होती है पार्टनर के आने के बाद में, क्योंकि पार्टनर आते हैं तो अपना एक लक लेकर के आते हैं बाहरी दुनिया में से। तो इसीलिए मैरिज के बाद कंफर्टेबिलिटी, लग्जरीज या लक, ये सारी चीज़ें इनहेंस बहुत ईजिली हो पाती है। तो इसीलिए डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर ही कोशिश करना यहाँ पर चाहिए आपको। और इसके अलावा जो करियर है उसमें आपके इश्यूज डेफिनेटली आते रहेंगे, इवन पार्टनरशिप में भी आप है तो उसमें आपने बात मेंशन की कि लेक का जो है कमिटमेंट होता है वहाँ पर, तो आप पार्टनरशिप में भी अगर हैं तो 60% क्यों कहा गया, ताकि आपके पास पूरा राइट हो, पावर हो कि आप किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं, इवन पार्टनर से जो चाहे वो काम करा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि पार्टनरशिप जब 60-40% अप्रोक्स जब होती है तो आप ये सोचिए कि आप अपने पार्टनर को क्या दे सकते हैं, ना कि क्या ले सकते हैं। और 50-50% जब होता है तो आप अपने तरफ से 200% दे रहे हैं लेकिन सामने वाले का जो रिस्पांस है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनसे काम करा नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। तो कभी भी पार्टनरशिप में जाएं तो पावर अपने पास ज़्यादा रखें और उनसे डेफिनेटली ऑर्डर दे करके काम करें या फिर उनसे ज़्यादा ही वर्क करें तो वो आपके लिए सूटेबल या फ्रूटफुल भी रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब इस तरीके की मरकरी माउंट हो, मरकरी लाइन हो, तो इंस्टीट्यूशन अपने खुद का अकेले का खोलना चाहिए और उससे पार्टनर नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए या उनका शेयर रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो पाएंगे कहीं ना कहीं सुधार जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है। और वैसे भी आपका जो लक है वो 36 से बहुत एक्सट्रीम प्रभाव दे रहा है, 34 से इवन दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस और रखें और जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के ही आप प्रयत्न प्रयास करें, आपको बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल पाएगा। और अगर डिजिटली आप अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के जाते हैं, वर्क करते हैं, तो उससे और अधिक लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि मरकरी जो प्योर कारक है वो इंटरनेट का है, डिजिटल मार्केटिंग का है। तो इसमें जब आप अपने आपको शो करेंगे तो इन सारी चीज़ों में आपको मरकरी का हेल्प बहुत अच्छा मिलेगा, तो लोगों से सपोर्ट बहुत एक्सट्रीम लोगों या बच्चों से सपोर्ट अच्छा आना शुरू होगा, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपने मेंशन किया कि कहीं ना कहीं अनलक्की है या हाई लेवल का स्ट्रेस या एनजाइटीज़ रहता है, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है आपके पाम में वो है आपका अननेसेसरीली थॉट प्रोसेस। क्या होता है कि जब भी शुक्र के तरफ पे इतनी सारी आड़ी रेखा होती है, मंगल से इतनी सारी आड़ी रेखा आ रही होती हैं, जब हथेली में हर तरफ मोस्ट प्रोबेबली आड़ी रेखाओं के जो कॉम्बिनेशन से, जैसे हम आपके सन और सैटर्न को ही देख लें तो कितने सारी आड़ी रेखा यहाँ पर भी हमको दिखेगी। तो इस तरीके की जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं या क्रॉसेस के साइंस होते हैं तो ये व्यक्ति को सेंसिटिव बना देते हैं। और ये सेंसिटिविटी क्या होती है कि प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं,
छोटी छोटी बातों पर कई मरतबा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। चीज़ों को पकड़ के बैठे रहने की जब किसी व्यक्ति में आदत हो जाती है तो ऐसे कॉम्बिनेशन पाम में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया है पार्टनरशिप में भी कि क्या करना है, कि आपको ये सोच के चलना है कि आप कितना दे सकते हैं पार्टनर को। तो ये पूरे जीवन में ही आपको ये काम करना है कि आप कितना किसी को दे सकते हैं, अगर इस विषय में सोचेंगे और अपने आंतरिक रूप से अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, कूल काम या एक प्रकार से हैप्पी रखेंगे, तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर कंट्रोल पाना चाहें, ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेना चाहें, या फिर किसी बात को पकड़ के बैठे रहें, या किसी एक चीज़ को सुधारने में पूरा अपनी एनर्जी लगा दें, तो आपकी सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेसेस से आपको बचना चाहिए। जो है एक्सेप्ट करिए, प्रेजेंट में रहिए, पास्ट फ्यूचर का छोड़ दीजिए कॉम्बिनेशंस, और जितना हो सके अपने आप को निचोड़ दीजिए उसी समय में। आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो रहा है। आप सिर्फ इतना काम करेंगे साइकोलॉजिकल वे से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आपके हथेली में सबसे जो पावर पोजिशन में कॉम्बिनेशन है वो है आपका माइंड लाइन और हार्ट लाइन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्यों ये पावर में है, क्योंकि जब भी माइंड लाइन स्ट्रेट होता है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, ग्रेसपिंग स्किल अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है। इस कंडीशन में बहुत प्रोमिनेंटली किसी बात को आंसर कर पाते हैं या शो कर पाते हैं या डिटेल के साथ कोई बात को कह पाते हैं। तो नॉलेज में या योग्यताओं में या मानसिक बल में कहीं से कहीं तक कमी आ नहीं रहा है। हार्ड लाइन जब भी स्ट्रेट होता है तो ये वर्कोहोलिक नेचर देता है, बहुत कम उम्र से अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हैं या काम के लिए निकल जाते हैं। खाली बैठना इस कारण से पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी भी काम में इंगेज रखना, प्रैक्टिकलिटी लॉजिकलिटी इंक्रीज होना। अब ऐसा व्यक्ति अगर खाली बैठ गया तो क्या आएगा, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज, या अपने जीवन में किसी भी तरह की कमी को लेकर के बैठ गए। कमी हर जगह है, आपके लाइफ में थोड़ी ज़्यादा हो रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सुधरेगी डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमेशा रहेगी, बट समझना ये ज़रूरी है कि आपको बिजी या इंगेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी बाहर में नहीं, अपने अंदर में भी। आप बाहर में तो पूरे बिजी रहेगा, लेकिन आपने खुद पर कितना ध्यान दिया, आप कितने समय मेडिटेट ही कर पाते हैं दिन भर में, या कितना समय योगा प्राणायाम या खाली सिर्फ टहलते हैं। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो अगर टहल भी रहे हैं तो ईयरफोन लगा के टहलेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ और चीज़ें प्राप्त करनी है। तो अपने आप को थोड़ा फ्री जोन में जब डालेंगे, कूल रखेंगे, काम रखेंगे, कुछ नहीं सीखना, जीरो थॉट्स, आप पाएंगे कि एक जो इतने समय से एक जो खुशी गायब हो गई थी या जो शांतिपन गायब हो गया था वो आपको मिल जाएगा सिर्फ इतना काम करने से। तो ये आपके पाम का स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं आपको मजबूती नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। बट मोर ओवर आपके लाइफ का 80-85% जो स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या पेंडिंग कर्मास था वो निकल चुका है। अब इतना कोई प्रॉब्लम लाइफ में मोस्ट प्रोबेबल भी आपको नहीं आने वाला है। अब जो भी कुछ होगा अच्छा होगा और ज़्यादा शुभ रूप से परिवर्तित ही होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लाइफ लाइन में भी प्रोग्रेस लाइन दिख गई है, माइंड लाइन पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक रेखाएँ सिर्फ नीचे की तरफ आ रही हैं, जो क्या करती हैं, प्लानिंग को सफल होने नहीं देती, मन लायक काम होने नहीं देती, डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। डिसीजन ले तो लेते हैं, उसके रिगार्डिंग वर्क भी करते हैं, लेकिन सब के सब विफल होता है। तो उसमें रिग्रेट जब फील होता है या और बुरा लगता है, या कहते हैं कि पहले ही चीज़ें ठीक थी, तब ऐसी रेखाएँ नीचे आती हैं। जैसे आप 36 टच कर रहे हैं, इनफैक्ट 34 क्रॉस कर रहे हैं, पहली प्रोग्रेस लाइन करेक्ट 34 में, और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू फिर छोटी छोटी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और माइंड लाइन एकदम स्टेबली रन हो रहा है। तो यानी अब उसके बाद जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो काम करें, उसमें सिर्फ सफलता ही हो रही है। यही रीज़न है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी जो एक्शन लाइन है वो यहाँ पर निकली हुई है, जो पावर पोजिशन एंड अथॉरिटीज़ देती है, और मर्करी लाइन स्ट्रॉन्गली आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना अच्छा जो है मेंटल स्ट्रेंथ, पावर और मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एग्जिस्ट होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा और पेशेंस रखें, और जो सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा उसको कंटिन्यू करिए, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। फिलहाल अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, इसको ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे। तो ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यताओं से लेकर के एडजस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड दोनों ही होता है, क्योंकि ये मिक्स फिंगर हो गया, तो समय परिस्थिति के अनुसार ढलना,
या फिर किसी एक निर्णय पर अड़िग रह जाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही देता है। मोर ओवर इस कंडीशन में आप जैसे जाते ईजिली सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर पाने में या एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। पाम के स्ट्रक्चर जब यहाँ पर यानी फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे या मधुर रिश्ते अपने ओर से निभा पाना। आप सामने से निभे ना निभे वो बात अलग है, परंतु आपसे कोई ट्रबल ना होना ये कॉम्बिनेशन यह देता है। अगर यह तिल है तो ये तिल हमेशा कामों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट या भाग्य में कमी देता है। तो इसका जो रेमेडी है वो सिंपल शिव जी की आराधना है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टर्ब हुआ यानी राहु ऑटोमेटिकली पाम में डिस्टर्ब है, और राहु की रेखाएं भी हम देख रहे हैं कि कितनी सारी आड़ी रेखाएं उससे ग्रसित है आपका पाम इधर पे, और राहु की रेखाएं क्या दे देती हैं, इल्यूजन, भ्रमित करती हैं। और जब बार बार भ्रम टूटता है तो ऑटोमेटिकली टेंशन, डिप्रेशन होता ही है। तो इसीलिए आप जब शिव जी की आराधना करेंगे तो राहु से लेकर के शनि, इन सब के जो प्रभाव हैं उनमें नेगेटिव जो प्रभाव है उनमें कमी आने लगेगा और स्थिति सुधरने लगेगी। शायद यही एकमात्र रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन में पहली जो है प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है 34 के एज में, यानी नेक्स्ट ईयर में इसी रेमेडी के द्वारा आपको कोई ना कोई ग्रेट अचीवमेंट हासिल होने वाला है। इसके अलावा देखें तो फर्स्ट फिंगर की लाइन जब भी लॉन्ग होती है तो आप जैसे जातक वो होते जो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते, और तमाम तरह की जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम होते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ज़्यादा ये देता है, और इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि एक नेचर में होता है कि अपने तरीके से काम करना, डोमिनेटिंग नेचर रखना या अपने नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव रखना। तो इसीलिए अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, और मोस्टली आप जैसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जुपिटर अच्छा हो रखा है यहाँ पर, तो आपका ज्ञान जो है आपको हर जगह विजय प्राप्त करा जाएगा। लेकिन विजय जन्म स्थान में नहीं है, वहाँ से दूर है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो समय पर आप अपनी बात को कह नहीं पाते। इस कंडीशन में ये चीज़ क्या होता है कि ये शाइनेस देता है, शर्मीलापन या एक प्रकार से हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाते हैं। तो आप जैसे जातकों का जो मैनेजमेंट है इसलिए भी वीक होता है क्योंकि डिसीजन समय पर ले नहीं पाते या समय पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो दूसरों के सपोर्ट से आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा या फिर आपके आधे अधूरे काम पूरे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप में भी आपको सजेशन दिया गया था लेकिन 60-40% का। इसके अलावा फाइनेंस डिस्टर्ब इसलिए भी होता है क्योंकि मनी मैनेजमेंट वीक होता है, तो ज़्यादा पैसा अपने पास रखने या पैसा अपने पास रखने के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान दें तो वो कहीं ना कहीं आपको लाभ अच्छा दे जाएगा। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है। थंब का साइज शॉर्ट है यानी टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इधर पे जब फर्स्ट फिलेंज पर ऐसी आड़ी रेखा होती है तो हाइपरटेंशन एंड वरीज देता है। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, रेगुलर बेस मेडिटेशन करिए, भ्रामरी योगा करिए, योगा प्राणायाम या भ्रस्तिका करिए, सांघवी एक योगा होती है वो भी आप करिए, तो उससे राहु का एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी या स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें खत्म होती है। विजन गोल क्लियर होता है तो सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इन सब का आप सहारा लीजिए, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा लाइफ में। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में एक जगह बैठ लंबे समय तक काम कर पाएंगे, अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस होंगे, इसलिए पॉजिटिव जो है सराउंडिंग एटमोसफियर क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो अपने आंतरिक रूप से पॉजिटिव ज़्यादा रहना चाहिए। इस कंडीशन में ये इमोशनल भी बनाता है लेकिन आपका हार्ट लाइन बहुत स्ट्रेट है, तो आपने अपने इमोशंस पे बहुत काबू कर रखा है। और दूसरा, आपके लोअर जोन जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। आप जैसे इंसान वो होते हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं, जो अगर एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्र शुक्र एक्टिव हो रखे, तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में विचार करना, कोशिशें करना, लग्जरीज कम्फर्ट्स बढ़ाते रहना, ये सारी चीज़ें रहती हैं।
और इस कंडीशन में जितना हो सके इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए, ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि अपर पोजिशन हो चुका है वीक तो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर चीज़ों को होल्ड पर डालेंगे तो होल्ड पर ही रह जाएगा, आपका जितना भी काम है वो सडन और एक बार अगर सोच के एक्शन लिया तो हो जाएगा। जैसे दिमाग में थोड़ा एक्शन लिया, फटाफट काम हो गया ख़त्म। अगर उसी चीज़ को पेंडिंग आपने कर दिया तो वो पेंडिंग ही रह गया, फिर वो नहीं होने वाला है, क्योंकि लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क का सजेशन दिया जाता है इसमें, या बिजनेस का या कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। और चंद्र शुक्र अच्छे हैं, मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा रईसी बढ़ने वाली है, और चंद्र एक्टिव है तो जन्म स्थान से दूर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश होने वाली है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिल पाएगा। आप कुछ मत करिए, आप 15-20 दिन के वेकेशन पे बाहर कहीं जाइए, यानी किसी अनदर स्टेट और थोड़ा ज़्यादा दूर, मतलब कुछ भी घूमने के हिसाब से। आप वहाँ पर पाएंगे कि आपका मन बहुत शांत है, मन बहुत अच्छा है, और आप ये भी पाएंगे कि लोगों से सपोर्ट अननोनली मिल रहा है। आप ये चीज़ साफ साफ देख पाएंगे कि लक कितना स्ट्रॉन्ग है आपका बाहर में, फिर आपको आप उसको ईजिली एग्जामाइन भी कर पाएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में प्रोग्रेस लाइन भी है जो एम्बिशियस बनाती है, और इस कंडीशन में एम्बिशन अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के प्रति या दूसरों के प्रति ज़्यादा होता है कि इनको इतना सुख देना है, इनके लिए इतना काम करना है। आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देती है, दयालु व धार्मिक बनाती है, आगे से लेकर के दूसरों की भी मदद करते हुए पाए जाते हैं। जुपिटर अच्छे स्ट्रेंथ में है तो नॉलेज में, स्किल्स में या फ्यूचर में आने वाले रिसोर्सेज में कोई कमी आपको नहीं रहेगा। शनि की स्थिति की अगर हम बात करें तो शनि पर डेफिनेटली लक लाइन रुकी है, लेकिन सैटर्न की खुद की लक लाइन है, तो इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आती अच्छी है, ओल्ड एज अच्छा रहता है। देखा जाए तो सैटर्न पे उतनी कमी नहीं है, तो आपकी मेहनत में तो बिल्कुल भी हम कमी कह ही नहीं सकते, मेहनत आपकी बहुत अच्छी है, और इसीलिए ट्रायंगल का साइन भी बिल्ड हो रहा है जो एक्सट्रीम लेवल का मनी जनरेट करता है, नहीं तो घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु तक की परेशानी से बचाता है। सन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर विंडो साइन के कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ऐसे विंडो साइन कभी भी अच्छे रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रिल का साइन भी डेवलप्ड हो रखा है इस तरीके से, क्रॉसेस के साइन से। तो इसीलिए पिता से लाभ प्रॉपरली नहीं मिल पाना, बॉसेस या बड़े अधिकारियों से बन नहीं पाना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, मेहनत है तो भी नहीं मिल पाना, थोड़े बहुत एफर्ट में अपने सामने बहुत लोगों को सक्सेसफुल होता देखना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, या एक प्रकार से एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और ये सारी चीज़ें आ रही हैं पेंडिंग कर्मास के भी कारण, गुरु से भी इवन इस कंडीशन में लाभ नहीं मिलता, चीटिंग अननेसेसरीली बहुत होती है जब यहाँ पर ऐसे साइंस बनते। तो इसीलिए जो आपको रेमेडी सैटर्न का दिया जाएगा उसमें ये मत समझिए कि सिर्फ राहु शनि ठीक होंगे, सूर्य भी सबसे पहले ठीक होंगे, क्योंकि शनि के ही दुष्प्रभाव से सूर्य भी यहाँ पर आपके डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो इसीलिए आप जब तक जॉब करेंगे, जब तक प्रोफेशनलिज्म में एक प्रकार से, सूर्य पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है आपके कि इधर बायफोर्ग के साइन अपर पोजिशन में इस तरीके का बन रहा है, तो ये लाइफ में रईसी तो निश्चित रूप से लाता है। इस कंडीशन में पैसा देकर लोगों से काम कराने की जो योग्यता है वो भी ये सिद्ध करवाते हैं, और बुधादित्य योग का निर्माण यह कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि विवेक का उपयोग अच्छा होगा, भाग्य बोली से, ज्ञान से, लेखन कार्य जैसी चीज़ों से चमकेगा, और अत्यंत सुख सुविधा युक्त जीवनशैली अंततः प्राप्त होगा। मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन जब होती है तो एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार होते हैं, हॉस्पिटैलिटी या सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच होता है, आप जैसे जातक वो होते हैं जो पीड़ित लोगों के सबसे ज़्यादा सहारा बनते हैं, क्योंकि पीड़ित लोगों का आप दुखदर्द समझ रहे हैं। आपके पास कोई भी व्यक्ति वो नहीं आएगा जो खुश है या सुखी है, आपके पास अधिकतर व्यक्ति वही आएंगे जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, तकलीफ में, क्योंकि आप उनका सहारा बनते हैं किसी भी तरह से, कर्मों से, बातों से, व्यक्तित्व से, किसी भी तरह का सहयोग या सिंपैथी दे पाने की योग्यता आपको मरकरी दे रहे हैं। दूसरा, फाइनेंस अच्छा करेंगे। तीसरा, लोगों से कनेक्शंस बहुत अच्छे या बॉन्डिंग बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे। चौथा, कभी भी लाइफ में लोगों के काम की या धन की कमी नहीं पड़ने देंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच्छ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देते हैं, और बुध के ये सारे प्रभाव आपको तब आएंगे जब आप बुध को चैतन्य अवस्था में लाएंगे, एक्टिव करेंगे, और इसको एक्टिव करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विष्णु सहस्रनाम सुन सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, इसके अलावा जो चिड़ियाँ हैं उन सबको किसी भी तरह का दाना पानी देना, वो सारे काम आप करिए। गाय को चारा खिलाना होता है, खासकर बुधवार के दिन ये करिए। ज़रूरी नहीं तीनों करना है, ज़रूरी नहीं एक ही दिन ये तीनों करना है, आराम से अपने समय के अनुसार करते रहिए, और सिर्फ अपने लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए,
मरकरी वाक शक्ति है, जितना अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा लिखेंगे, वो चीज़ होता चल जाता है। बस बिलीव करना इन सब चीज़ों पे ज़रूरी होता है। हृदय रेखा स्ट्रेट है और बहुत सारे ब्रांचेस माइंड लाइन से अटैच हैं, तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटीज़ को बिल्ड करता है। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं लेकिन इमोशंस अपने शो नहीं कर पाएंगे, हिडन पर्सनैलिटी रहेगा, काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान आपका रहने वाला है। माइंड लाइन के ऊपर जैसे बात किया गया कि माइंड लाइन लंबी भी है, तो इस कंडीशन में मेमोरी शार्प होती है, आउटर मार्स से कनेक्शन, इसलिए आप जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारे हैं, आरोग्य भी नहीं हारेंगे। अपने हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, साहस, इन सब के कारण आप अपने जीवन में अंततः सफलता को देख पाएंगे, हासिल करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह के जितनी भी रेखा होती है, ये सब राहु की रेखाएं हैं, चिंता रेखाएं हैं, ये सब जीवन में रुकावटें देती हैं। मंगल की रेखाएं बेचैनी और जल्दबाजी, हड़बड़ी या एक तरीके से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देती है। शुक्र की आड़ी रेखाएं घरेलू तकलीफ, परेशानी, पार्टनर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या पार्टनर ही ना मिलना, ऐसे भी कॉम्बिनेशन आते हैं। तो अपने जीवन में हो सके तो ग्रेटिट्यूड रखिए, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, कुल देवी देवताओं के नाम से, पितरों के नाम से डोनेशन अमावस्या पूर्णिमा में करते रहा करिए। क्रिस्टल की माला होती है वो पहन सकते हैं। स्त्रियों को जितना हो सके अंततः लाभ देना या सपोर्ट देना या कुछ उनके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ भी काम करना, खाना खिलाना, यही सारी चीज़ें। सुबह जल्दी उठ योगर्ट खाकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र को एक्टिव करेगी। शुक्र एक्टिव होते हैं तो लग्जरीज, कंफर्ट, प्लेजर और मैरिज जो है सुख, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एग्जिस्ट करेगी। और जितनी भी आड़ी रेखाएं जो लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट नहीं आने दे रही हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो पाएगी। परंतु अपने आप को कूल काम जोन में रखना ज़रूरी है। बायफुर्के के साइन केतु पर सडन ट्रैवलिंग एंड ग्रोथ देते हैं। चंद्र जब विकसित हो तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन ज़्यादा होते हैं। चंद्र जब ज़्यादा एक्टिव हो और मंगल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तीखा गर्म। और यहाँ पर मंगल का इस तरीके का कनेक्शन घर में सबसे छोटा भी बनाता है या जिम्मेदारी ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा मनी ट्रायंगल अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन ये जो बात बताई गई यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो ये पीरियड 36 और 34 के एज से ही स्टार्ट है, तो इसी पीरियड से जीवन में प्रगति होना संपूर्ण तरह से शुरू है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग लाइफ डेफिनेटली बहुत टफ रहा, बहुत तकलीफों और बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ लाइफ आपका गुजरा है, क्योंकि मंगल से लाइफ लाइन शुरू होती है तो बहुत स्कार्सिटी रहता है हर चीज़ के लिए। लेकिन लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, शुक्र का अच्छा एरिया भी ले रही है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन शैली आपका अंततः मिल होने ही वाला है। और सूर्य पे यहाँ पर भी क्रॉस है जो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन वर्क के रिगार्डिंग दे रहा है, लेकिन मरकरी अच्छा है इसलिए बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, इन सारी चीज़ों से लाभ अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।